बहन जी नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? माया देवी। कहाँ से आए आप? लुधियाना पंजाब से। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? जो हिंदू परिवार में सभी देवी देवताओं की भक्ति करते हैं वही भक्ति हम करते थे। तो जब आप हिंदू धर्म में प्रचलित सभी प्रकार की पूजाएं कर रहे थे तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में क्यों आए? भगत जी, संत रामपाल महाराज शरण के ऐसे गए कि सबसे पहले मेरे भाई ने नाम ले रखा था, जैसे अपने मड़ी पूजना है, पीर बाबा के जाना है, तो मेरा भाई ये समझाता रहता था, ये इनमें कुछ नहीं रखा है, तो इन बातों का हमको समझ आती नहीं थी। तो मेरा भाई जी बोले कि संत रामपाल महाराज जी का साधना टीवी पे सत्संग आता है 7:40 से 8:40 तक, उनको आप सुनिए ध्यान से। तो मैं सुनती थी पर मेरे को समझ नहीं आता था इस ज्ञान के बारे में, किसी को पहले समझ आता नहीं, धीरे धीरे ही आता है। तो जब समझ आने लग गया तो मेरे भाई जी इनको बोलते थे, मेरे पति जी को, आप हमारे साथ चलना बरवाले में, हरियाणा में। तो मैं बोल देती थी कि हरियाणा हमारा कौन है, तो हमको कभी हम हरियाणा गए नहीं है बरवाले में। तो मेरे भाई तो बस ऐसे ही करता रहा। तो उन्होंने एक दिन फिर अपनी सलाह बनाई तो वो मेरा भाई खुद ही चला गया तो बस में चला गया। तो उन्होंने नाम दीक्षा ली, वो आते ही फोन करने लग गया भी ऐसे ऐसे कर, उन्हें सबको बुलाया घर में, हमको भी समझाने लगे। तो मेरे पति ने फिर नाम दीक्षा लेने का विचार बनाया तो वो मेरे भाई के साथ चले गए। भाई के बाद जाने के बाद वो घर पे आए तो हमको एक महीने के बाद वो हमको लेके गए साथ में। तो मैंने वहाँ जाके देखा कि बहुत अच्छा लगा संत रामपाल महाराज के बरवाले में जाके। मैंने ये देखा था कि मैं पहले देखूंगी जाके वो कैसा माहौल है वहाँ, कैसा लगता है देखने में, पर वहाँ तो जाके बहुत शांति आती है। तो हमने कोई ऊन पटाक भी नहीं किया, कोई मना भी नहीं किया, तो नाम दीक्षा ले ली मैंने और मेरी बेटी ने और मेरे बेटे ने, हम तीनों ने नाम दीक्षा वहाँ 18 फरवरी 2013 को नाम दीक्षा ली। बहन जी, जो भी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेता है उनको कोई ना कोई लाभ जरूर होते हैं, चाहे वो शारीरिक हो, आध्यात्मिक हो, भौतिक हो। आपको संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या लाभ मिले? मेरे को संत रामपाल महाराज जी के नाम दीक्षा लेने में बहुत से लाभ हुए। जैसे भगत जी, मेरी ब्रेस्ट कैंसर की बीमारी ठीक हुई है संत रामपाल महाराज जी के नाम दीक्षा लेने से, उनकी भक्ति करने से। मैंने एक दो तीन साल से ये मेरे ब्रेस्ट में इधर गांठ थी, तो मैंने अपने पति से बोला कि इधर मेरे गांठ है तो आप दिखाइए, ये बोल देते थे दिखाते हैं। और आगे वाली ब्रेस्ट पीछे को अंदर जाने लग गई, तो दर्द भी था तो गांठ ज़्यादा ही बढ़ गई थी, वो पीछे गच में चली गई थी, तो निप्पल भी आगे वाला पीछे को चला गया था। तो मैंने डॉक्टर से जाके हम लोगों ने दिखाया, तो मेरे पति जी साथ में गए, तो उन्होंने रिपोर्ट कहा कि इनकी बाजू खड़ जाएगी अगर आप इनका ट्रीटमेंट नहीं कराओगे। तो मैंने घर आके बोला कि मेरे गुरुजी तो संत रामपाल महाराज जी जोड़ते हैं तोड़ते नहीं हैं, कैंसर हो चाहे कैंसर का बाप क्यों ना हो। तो डॉक्टर के कहने पे पर्ची लिखवा के तो मैंने वो घर पे रख ली, उसकी मर्जी के, अपनी मर्जी के बाद भी 2-3 महीने के बाद वो मैंने रिपोर्ट अपनी द्वारा फिर जाके उनसे लिखवाई। फिर मैंने रिपोर्ट अपनी बड़े बड़े हॉस्पिटलों में जाके अपना ट्रीटमेंट करवाना शुरू करवाया। जब डॉक्टर ने यह भी बोला था कि इनका बाजू खड़ जाएगा, वो कोई काम नहीं कर पाएंगे, तो हाथ खड़ जाएगा, उखड़ जाएगा, तो काटना ही पड़ जाएगा पता नहीं शायद, तो मैंने संत रामपाल महाराज जी को याद कर रहे थे हम लोग, तो ऑपरेशन भी उन्होंने बताया था। तो हम उनके पास उनके रिपोर्ट घर में आ गए, तो घर में आके मेरे पति तो खूब रोने लगे, तो मैंने गुरु जी के आगे, संत रामपाल महाराज जी के आगे दंडवत प्रणाम किया। तो मैंने गुरु जी से आगे प्रार्थना लगाई कि हे संत रामपाल महाराज जी, आपकी भक्ति कर रहे हैं, ये तो ऐसा होना नहीं चाहिए, परमात्मा आप ही, अब देखो आप ही कुछ कर सकते हो, हमारा तो और करने वाला भी कोई नहीं है। तो भगत जी, मैंने तो फिर रोना तो जो शुरू किया मैंने आगे प्रार्थना भी कराई, तो संत रामपाल महाराज जी का संदेश ऊपर से आया है कि बेटे भक्ति करो, मालिक दया करेंगे, भक्ति जरूर करते रहना, विश्वास रखना मेरे बच्चों। तो हमने संत रामपाल महाराज जी पर इतना विश्वास रखा कि मैं जो भी कोई रिपोर्ट करा के लाती थी तो मैं संत रामपाल महाराज जी के आगे रख देती थी कि आप ही दाता मेरा ट्रीटमेंट करोगे, डॉक्टर नहीं कर सकते इसको, तो जो कुछ करोगे आप ऑपरेट कराओ, कुछ भी करो मालिक, आपने अपना जैसा हमको बनाया है, हे मेरे परमात्मा मैं आपकी महिमा का भगवान नहीं कर सकती हूँ बंदी शोर जी, जो अपने जैसा हमको बनाया है, तो जो दुख मेरे पर आया है वो आप पर आया है, मेरे पर नहीं है। मैंने तो यहाँ तक भी बोल दिया कि मैं अपना ट्रीटमेंट नहीं कराऊंगी, कोई मेरे को बोलता था ऐसे कराओ वो कराओ ये, तो मैं बोल देती थी मेरे संत रामपाल महाराज, मेरे गुरु जी हैं मेरे साथ, वो करेंगे सब कुछ, डॉक्टर क्या करके देंगे मेरा। तो ऐसे करके मैं अपने भगत जी को देखती थी, तो मैं इनको बोलती थी आप रोना नहीं, बहुत बड़े गुरु की शरण में हैं हम, वो हमको कुछ नहीं होने देंगे, हमारे परमात्मा है बंदीश और सतगुरु रामपाल महाराज जी।
संत रामपाल महाराज की दया से आज मेरा ब्रेस्ट कैंसर बिल्कुल ठीक है और मेरी रिपोर्ट भी ओके आई है। डॉक्टरों ने तो मेरे को जवाब ही दे दिया था कि बोलते ये बाजू भी उखड़ सकती है, ये भी करना पड़ता है, क्योंकि कोई भी डॉक्टर अपनी जिम्मेवारी पर कोई वो रिस्क नहीं लेते हैं। तो मेरे को विश्वास अपने संत रामपाल महाराज भी था, तो मेरा उनसे देखो भक्ति करने से सब कुछ, उनकी भक्ति और मंत्र जाप करने से सब कुछ, ये मेरा कैंसर जैसी बीमारी बिल्कुल ही गायब हो गई है। ये मैं आपके सामने रिपोर्ट लेके भी खड़ी हूँ, आप चाहे तो देख भी सकते हो, आप देख सकते हो कि ये मेरी रिपोर्ट कैंसर की है। मोहनदेई शेरपुरे चौक में अस्पताल है, वहाँ की रिपोर्ट है, ये मेरी ठीक होने की रिपोर्ट है, आप देख सकते हैं आपके सामने है। जी और क्या लाभ मिले आपको? देखो भगत जी, सर जी, जब मैं कीमोथेरेपी लगाती थी ना, तो मैंने रोहतक भंडारे में, जब मेरे को कीमोथेरेपी लगी तो मैं रोहतक भंडारे में जाके इतनी दूर सफ़र करके आई हूँ, पर मेरे को कीमोथेरेपी का कोई पता नहीं लगता था। वैसे तो आम इन जो कीमोथेरेपी लगती है तो कई लोग तो बिस्तर पर से नहीं उठते हैं, तो मैं चलती फिरती रहती थी, 3 मंजिल पर मेरा घर है, मैं उतरती चढ़ती रहती थी, सब मेरे को देखते थे कि ये कैसे उतरती चढ़ती, इनका ट्रीटमेंट भी चलता है। तो डॉक्टरों ने बोला था इनको बेड रेस्ट कराना है, ये वो करना है, तो पर नहीं, मैं संत रामपाल महाराज की दया से, मेरा घर 3री मंजिल पे है, देखो मैं घूमती फिरती रहती थी, मेरे आस पड़ोस में भी मेरे को सब देखते रहते थे कि इनका देखो ट्रीटमेंट भी चल रहा था, तो ये फिर भी अपना घूम फिर रही है। तो ये सब कुछ संत रामपाल महाराज की दया से ही सब कुछ होता, मैं सत्संग भी सुनने चली जाती थी। आप देख सकते हो जो कैंसर से पीड़ित वो बंदा कैसे इधर उधर घूम नहीं सकता, वो अपनी बीमारी से इतना पीड़ित रहता है, पर नहीं, मैं संत रामपाल महाराज की दया से घूमती फिरती रहती, ये उनकी दया से ही 3री मंजिल पर चढ़ना उतरना, देखो ये कितना वो लगता है बंदे को, कैंसर वाले बंदे को, वो तो वैसे नहीं उठता है बिस्तर से, तो मैं संत रामपाल महाराज की दया से ही उतरती चढ़ती रहती थी, उनका नाम जाप करती रहती थी, अपने घर का सारा काम भी करती थी, और मैंने किसी का सहारा नहीं, संत रामपाल महाराज का सहारा लिया, और मैंने किसी को याद भी नहीं किया, अपने बहन भाई को या किसी को बुलाना है तो मैंने कहा था मेरे गुरु जी मेरा साथ दे रहे हैं संत रामपाल महाराज जी, तो मेरे को किसी का नहीं, मुझे संत रामपाल महाराज जी का साथ चाहिए। तो आज गुरु संत रामपाल महाराज की दया से मेरी कैंसर जैसी बीमारी बिल्कुल ठीक है, रिपोर्ट एकदम ओके आई है। बहन जी, साइंस का युग है, पढ़े लिखे लोगों का इस बात पे विश्वास करना कि एक संत के आशीर्वाद से या किसी मंत्रों के जाप से कैंसर जैसी भयानक बीमारी का ठीक होना, उनको इस बात पे विश्वास नहीं होता, तो बहन जी आप उन लोगों को कैसे समझा पाएंगे? मेरी उन लोगों से प्रार्थना है जो विश्वास नहीं करते हैं, मैं जीता जाता उदाहरण सामने खड़ी हूँ, मेरी रिपोर्ट भी देखी है, अगर नहीं विश्वास आता है तो शेरपुरे मोहनदेई हॉस्पिटल में भी जाके आप पता कर सकते हैं, वो तो लुधियाना में बहुत मशहूर है, कैंसर वाला ही है वो, तो आप उनसे देखिए और पूछ लीजिए जाके, मैं आपके सामने खड़ी हूँ संत रामपाल महाराज की शरण से, संत रामपाल महाराज की शरण में जाने से देखो उनकी भक्ति करने से मेरे जो कैंसर जैसी बीमारी बिल्कुल ठीक है, और रिपोर्ट भी देखो ओके आई है संत रामपाल महाराज की दया से। तो मैं कहना चाहती हूँ कि आप भी संत रामपाल महाराज की शरण में जाइए, और भी जो लोग मेरी तरह गंभीर बीमारी से पीड़ित है, या कैंसर है, जो और किसी बीमारी से लगा लो, तो मेरा उनसे यही अनुरोध हाथ जोड़ के कि आप संत रामपाल महाराज की शरण में एक बार आइए, उनकी भक्ति कीजिए, तो भक्ति करने के बाद आपको पता लग जाएगा, आपको विश्वास खुद हो जाएगा कि संत रामपाल महाराज जी पूर्ण परमात्मा धरती पर आए हुए, आपकी बीमारी भी ठीक होगी और आपका मोक्ष भी ठीक होगा। आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? मेरी यही प्रार्थना है कि आप भी जैसे पीड़ित हो कैंसर से या और कोई बीमारी से, तो आप संत रामपाल महाराज जी की शरण में जाइए और अपना कल्याण कराइए, मेरी सबसे यही प्रार्थना है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सत साहिब भगत।